हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं फिश फ्राई की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनेगी। जो बाहर से क्रिस्पी चटपटी तो होगी, अंदर से उतनी ही जूसी होगी। और ये बहुत आसानी से बन जाती है, झटपट तैयार होती है। सिर्फ 10 से 15 मिनट में हम फिश तैयार कर सकते हैं। आज मैं आपको इसको धोने का तरीका भी बताऊंगी। कुछ लोगों की शिकायत होती है कि फ़िश में से एक अजीब सी महक आती है, जो पकने के बाद भी रहती है, जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। आज मैं आपको एक तरीका बताऊंगी जिससे वो महक बिल्कुल भी नहीं होगी। मैंने रेहू फिश ली है 1 किलो, और उसको मैंने एक बार पानी से निकाल लिया। उसमें डाला है 1/2 कप आटा, ये गेहूं का आटा है नॉर्मली जो हम रोटी बनाते हैं। और साथ ही मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून नमक। इसको अच्छे से हम सारी फिश पे लगा लेंगे आटे को, और अच्छे से अंदर तक हम इसको साफ़ कर लेंगे आटे से। बहुत आसानी से हो जाएगा। बस हल्के हाथों से, आपको बहुत दबा के साफ़ नहीं करना है, क्योंकि फ़िश बहुत नाजुक होती है, इसकी स्किन वो टूट जाती है। तो चलिए, मैंने इसको अच्छे से लगा के फिर नल के पानी से धो लिया था अच्छे से, और हमारी फ़िश एकदम तैयार है। इसमें बिल्कुल भी महक नहीं है। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है 1/2 कप बेसन और 1/4 कप राइस फ्लावर, चावल का आटा, भुना हुआ ज़ीरा, साबुत धनिया क्रश और चाट मसाला 1 टीस्पून लिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून साबुत लाल मिर्च कुटी हुई, वो लिए मैंने। और इसके साथ ही लिए मैंने 1/4 चम्मच हल्दी और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, अदरक लहसुन कूट लिया था मैंने 6 से 7 क्लोव, और 2 से 3 हरी मिर्चें, उसको भी क्रश कर लिया था। तो सबसे पहले हम डाल देंगे बेसन, फिर चावल का आटा इसमें डाल देंगे। इससे जो है बहुत ही क्रिस्पी ये फ्राई होगी। नमक हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और गरम मसाला 1 टीस्पून, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें डाल देंगे, हरी मिर्च जो हमने 2 से 3 कूट के रखी थी वो इसमें डालेंगे, और अदरक लहसुन 5 से 6 क्लोव लहसुन और 1 इंच अदरक को कूट लिया था वो, काली मिर्च इसमें डाल देंगे पिसी हुई, हल्दी डाल देंगे इसमें हम, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। और अब हम इसमें भुना हुआ ज़ीरा डालेंगे, साथ ही चाट मसाला 1 टीस्पून वो डालेंगे, और साबुत धनिया जो हमने क्रश किया था वो डालेंगे। और अब हम इसको जो है अच्छे से मिक्स करेंगे, हाथों से मिक्स करना है हमें। आप देख लें, अगर आपका ये मसाला एकदम सूखा हो रहा हो तो थोड़ा सा इसमें आप पानी छिड़क सकते हैं, 1-2 चम्मच, बहुत ज़्यादा नहीं। तो मैंने भी इसमें 2 चम्मच पानी डाला है, और इसको अच्छे से मसालों को मिक्स कर लिया है ताकि एकदम सूखे ना रहें और अंदर तक फिश में मैरिनेट हो जाएं। तो देखिए, हमारा मैरिनेशन एकदम तैयार है। 1/2 घंटे के लिए मैंने इसे ढक के रखा था। तो चलिए, अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। पैन में मैंने तेल डाल लिया है, मस्टर्ड ऑयल लिया है मैंने, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। और इसमें 1-1 पीस हम डालते जाएंगे। मैंने 2 बैच में फ्राई किया था, और हम दोनों साइड से इसे फ्राई करेंगे। फ्लेम को हमें मीडियम टू लो रखना है। एक बार तेल गर्म हो जाए अच्छे से, फिर हम लो कर देंगे मीडियम से लो फ्लेम को। बहुत तेज़ फ्लेम में आप इसे ना तलें, क्योंकि फिर ये अंदर से कच्ची रह जाएगी, ऊपर से तो ब्राउन हो जाएगी, अंदर से बिल्कुल कच्ची रहेगी। तो हमें लो फ्लेम पे ही इसको सेकना है। तो देखिए, दोनों तरफ से मैंने अच्छे से इसको गोल्डन ब्राउन सेक लिया, एकदम क्रिस्पी हो गई है ये। और इसको टिश्यू पे रख के फिर हम सर्व करेंगे, ताकि इसका ऑयल, एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। तो देखिए, अभी एकदम तैयार है, मैंने इसे सर्व किया है। देखिए कितनी शानदार क्रिस्पी बन के तैयार है, बहुत ही चटपटी मसालेदार है। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूंगी। तब तक टेक केयर, बाय बाय।